वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम 11 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। इस करंट अफेयर सेशन में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चंस रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। इसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र में रहे वुहान शहर में कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया है? तो ये खत्म किया गया है 76 दिन बाद। सही आंसर है सी। चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र में रहे वुहान शहर में 76 दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया है। अब लोग बिना किसी विशेष अनुमति के निकल सकेंगे, जब तक अनिवार्य स्मार्टफोन ऐप उन्हें स्वस्थ बताता रहेगा। कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए वुहान ने 23 जनवरी को सार्वजनिक परिवहन और बाहर जाने वाले ट्रेन फ्लाइट स्थगित करने समेत यातायात पर प्रतिबंध लगाए थे। तो आपको ध्यान रखना है 76 दिन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा किया है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है? तो ये उड़ीसा राज्य है। सही आंसर है डी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा किया है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थान 17 जून तक बंद रखने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही राज्य कैबिनेट ने केंद्र से उड़ानों और ट्रेन सेवाओं को 30 अप्रैल तक बंद रखने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश भर में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा की थी। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे तो आपको देख लेना एक बार। लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला पहला राज्य ये है उड़ीसा, ये पहला क्वेश्चन बनेगा। और इसमें आपको ये भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अभी तक 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेट की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ए, 15,000 करोड़ रुपये। 15,000 करोड़ रुपये है ये। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए 15,000 करोड़ रुपये की इमरजेंसी पैकेज की मंजूरी दी है। इसके तहत 7,774 करोड़ रुपये कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स में खर्च होंगे और बाकी बचे 7,226 करोड़ रुपये 1 से 4 साल के दौरान समय समय पर ज़रूरत के अनुसार खर्च किए जाएंगे। साथ ही फंड का इस्तेमाल सर्विलांस, महामारी के खिलाफ जागरूकता जगाने में भी किया जाएगा। फंड का एक हिस्सा अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों, जन सुविधाओं और एम्बुलेंस को संक्रमण रहित बनाने पर भी खर्च किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो अनुमान है 4.8%। सही आंसर है बी इसका। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि दर घटकर 4.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वृद्धि दर 5.1% रह सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये बेहद प्रारंभिक पूर्वानुमान है और 10 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं पर आधारित। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूँकि कोविड-19 महामारी अभी भी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए एशिया और प्रशांत की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका नकारात्मक असर बहुत अधिक होने की आशंका है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं अब। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया गया है 2 साल के लिए। सही आंसर है सी, 2 साल। सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों के चयन में पारदर्शिता और पेशेवराना रुख बढ़ाने के उद्देश्य से यह निकाय बनाया गया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है। इसके तहत इस बोर्ड के इस समय कार्यरत अंशकालिक चेयरमैन सदस्यों की सेवा अवधि 11 अप्रैल से 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है। यह अधिसूचना तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि इस बारे में आगे और कोई आदेश न जारी किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। किस राज्य के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक छात्र ने डॉक्टरों के स्थान पर
रोगियों की देखभाल के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित बोर्ड का रोबोट का निर्माण किया है? इसका सही आंसर है डी, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट है। छात्र के अनुसार इस तकनीकी का उपयोग डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखरेख करने के लिए किया जा सकता है। इससे डॉक्टरों को जोखिम से बचाया जा सकता है। यह इंटरनेट द्वारा नियंत्रित रोबोट लोगों के लिए बातचीत कर सकता है। छात्र के अनुसार इस रोबोट की लागत तकरीबन 5,000 रुपये है। उल्लेखनीय है कि इस रोबोट को इंटरनेट से प्रत्यक्ष जोड़ा जा सकता है और इसे कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। यह नया आविष्कार कोविड-19 के विरुद्ध जंग में डॉक्टरों की सहायता करेगा। तो इसका सही आंसर डी, छत्तीसगढ़। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है ए, दिल्ली। ये दिल्ली है। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में ऑपरेशन शील्ड शुरू करने का ऐलान किया है। इस ऑपरेशन के तहत सीलिंग होम, क्वारंटीन, आइसोलेशन जरूरी सेवाएं, लोकल सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर सर्वे पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसका सही आंसर दिल्ली है। आपको ध्यान रखना है। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, सीआरपीएफ शौर्य दिवस 2020 में निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया 9 अप्रैल को। सही आंसर है डी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 9 अप्रैल 2020 को शौर्य दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर अधिकारियों को सलाम किया। सीआरपीएफ का यह 54वां शौर्य दिवस है। 9 अप्रैल 1965 दिन सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तान ब्रिगेड का को आक्रमण को विफल कर दिया। यह दरअसल गुजरात के कच्छ के रण में सीआरपीएफ ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम करते हुए 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। इस लड़ाई में सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद हुए थे। आठवां क्वेश्चन है, किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित की है? तो इसका सही आंसर ए, गुजरात। ये गुजरात है। इस गाजर को स्थानीय रूप से मधुबन गाजर कहा जाता है। यह बीटा कैरोटीन और आयरन से भरपूर होता है। जूनागढ़ जिले के 200 हेक्टेयर के से अधिक क्षेत्र में इसकी खेती की गई, जहां इसकी औसत पैदावार 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। इसका उपयोग विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे गाजर चिप्स, जूस एवं अचार आदि के लिए भी किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन 2017 कार्यक्रम में वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं इस असाधारण कार्य के लिए वर्ष 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। नवा क्वेश्चन, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अलमैनाक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेट नामित किया गया है? इसका सही आंसर है बी, बेन स्टोक्स। ये बेन स्टोक्स हैं। विजडन क्रिकेटर्स अलमैनाक ने 2020 के अपने संस्करण में 2019 के प्रदर्शन के लिए स्टोक्स को यह सम्मान दिया जो इससे पहले 3 वर्षों तक लगातार विराट कोहली को मिल रहा था। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को 2016, 2017, 2018 में लगातार 3 बार विजडन ने साल का अपना अग्रणी क्रिकेट चुना था, जो कि रिकॉर्ड है। इस बार हालांकि विजडन की सम्मान सूची में कोई भी भारतीय पुरुष या महिला खिलाड़ी जगह नहीं बना पाया। दसवां क्वेश्चन है, प्रवीण राव की हाल ही में भारत की किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ए, नासकॉम। इन्हें नासकॉम के लिए नियुक्त किया गया है। आईटी उद्योग की संस्था नासकॉम ने हाल ही में कहा कि उसने इंफोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी सीओ प्रवीण राय को 2020-21 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रवीण राय WNS ग्लोबल सर्विसेज के समूह सीईओ केशव मुर्गेश की जगह लिए हैं। इसके साथ ही एसेंचर्स की भारत में अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंधक निदेशक रेखा मेनन को 2020-21 के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दो नियुक्तियां हुई हैं, पहले तो प्रवीण राय और दूसरे रेखा मेनन। इनका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ क्या प्रश्न दे लीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा किया है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन आपके ए, बिहार, बी, पंजाब, सी, झारखंड, डी, उड़ीसा।
क्विज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नहीं हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर जीके ट्रिक को ज्वाइन करते हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।